तो भाई एक इंडिया की नई साईफाई मूवी आ गई है जो कि फर्स्ट लुक में तो ऐसी लगती है कि 2001 में बनाई गई थी 2020 के लिए। तो क्या ये मूवी आपके टाइम के वर्थ है या नहीं, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं राज गौरव और आज हम बात करने वाले हैं कार्गो मूवी के रिव्यू के बारे में। और टेंशन मत लो, इस वीडियो में कोई स्पॉयलर्स नहीं होंगे तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हो। और अब हम जाएंगे ओवरले के तरफ और ओवरले गेम प्ले का होगा क्योंकि आई डोंट वॉन्ट एनी कॉपीराइट इशूज। और ये ओवरले इसलिए हो रहा है क्योंकि इस माइक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसकी बैटरी खत्म हो जाती है कभी भी बीच में। तो चलिए चलते हैं ओवरले की तरफ एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो भाई कार्गो जो है एक काफ़ी लो बजट इंडियन साईफाई फिल्म है जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गई है, जिसको जाके आप देख सकते हो। इस मूवी में हमको यमराज का एक नया रूप देखने को मिलेगा। साथ ही जो पूरी स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है एक राक्षस के अराउंड, जिसका रोल प्ले किया है विक्रांत मेसी ने। और इस राक्षस का काम है जो लोगों की आफ्टर लाइफ है उसको संभालना। तो भाई जब कोई आदमी मर के आता है तो उसकी मेमोरीज मिटाना, उसको नई मेमोरीज मतलब उसकी हार्ड डिस्क एम्प्टी कर देना, उसकी जिस बीमारी से मौत हुई थी उसको हटाना, नई शेप नई शक्ल लेके अर्थ पे दोबारा भेज देना। इसलिए कहते हैं ना, हमारे पास कई बार पुरानी जन्म की मेमोरीज होती हैं, तो किसी राक्षस ने काम अच्छे से नहीं किया इसलिए वो मेमोरीज रह गई हैं। बट कीपिंग दैट असाइड, फिर क्या होता है इस मूवी में कि इस राक्षस की लाइफ काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस होती है, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती है, रोज़ वही काम रोज़ वही काम। तभी उसकी लाइफ में आती है एक नई असिस्टेंट, जिसका रोल प्ले किया है श्वेता त्रिपाठी ने, जिनका रोल काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है उनको इस रोल में देखकर। तो भाई ये जो पूरी मूवी है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करती है काफ़ी ज़्यादा फन और नए वे में, कि भाई मरने के बाद हमारी लाइफ में क्या होता है, आफ्टर लाइफ में होता क्या है आखिर। तो उसको अपनी फिल्म मेकर आरती काड़व ने अपने रूप में प्रेजेंट किया है। तो भाई जो हमारी आरती काड़व है वो एक काफ़ी ज़्यादा लो बजट फिल्म पे काम कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा लो बजट फिल्म है और वो साफ विजुअल में दिखता है। तभी मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि 2001 में बनी हुई फिल्म है, 2020 को मद्देनजर रखते हैं मेरे, क्योंकि भाई इसकी जो स्पेसशिप है ना वो ऐसा लगता है एक पेंसिल उड़ रही है हवा में। बट दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लो बजट। बट इस मूवी में उसके अलावा मेरे को कोई कमी दिखाई नहीं दी, क्योंकि भाई एक्टिंग डिपार्टमेंट जब आपको एक ही स्क्रीन में विक्रांत मेसी और श्वेता त्रिपाठी देखने को मिल जाए ना, तो भाई आपको पता है कमाल होने वाला है। इसका आपने एक नमूना मिर्ज़ापुर में देख ही रखा है। तो भाई इस मूवी में आपको एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब देखने को मिली है, और यही बात है नेटफ्लिक्स में और बॉलीवुड में। नेटफ्लिक्स टैलेंट की कदर करता है, टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहता है, बॉलीवुड की तरह सड़क टू जैसी फिल्म्स को नहीं। सिर्फ नेपोटिज्म को सहारा लेके आगे नहीं बढ़ने देता नेटफ्लिक्स आपको, अगर आपके पास टैलेंट है तो नेटफ्लिक्स आपको आगे बढ़ाता है। इस मूवी से वो साफ जाहिर होता है। इतनी लो बजट फिल्म है फिर भी मेरे ख्याल से मूवी काफ़ी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि ये उतनी अच्छी ही मूवी है। जैसा कि मैंने कहा, ये मूवी आफ्टर लाइफ को एक नया रूप में प्रेजेंट करती है और ये रूप देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप इसको सिर्फ साईफाई फिल्म देख के मत जाना यार, सोच के कि भाई साईफाई मूवी है वो देखने जा रहा हूँ, ये सोच के जाना कि एक नए तरीके से हमको आफ्टर लाइफ देखने को मिलेगी, तो इस मूवी का मजा आपको 10 गुने आएंगे। क्योंकि एज आई सेड, इस मूवी के विजुअल्स उतने अच्छे नहीं हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा बुरे हैं। बजट का पूर्ण उपयोग किया गया है, क्योंकि जो हमारी फिल्म मेकर हैं वो IIT कानपुर की पास आउट है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करके आ रखी हैं। तो भाई इनके जुगाड़ के सारे इलाज हैं, क्योंकि भाई कहते हैं ना इंजीनियर को सारे जुगाड़ आते हैं, और इस मूवी में वो साफ है कि इतने कम बजट में इतनी हाई क्वालिटी और मस्त मूवी देना सबके बस की बात नहीं है। कई लोगों तो 100-100 करोड़ का बजट दे दो तो इससे घटिया मूवी बना के देते हैं। और इस मूवी की स्टोरी मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। देखो अब आप हर चीज़ में सेंस ढूंढने लग जाओगे इस मूवी में, तो भाई इस मूवी का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। और वैसे भी ये मूवी अपनी सोच को चैलेंज करने पर मजबूर करती है, आपको चीज़ों को नए प्रस्पेक्टिव से देखने पर मजबूर करती है, कि भाई अगर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा होता तो क्या होता। अगर आप इस मूवी को वैसे देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, बट अगर आप बैठ के ऐसे हो जाओगे ऐसा तो होता ही नहीं, तो आप इस मूवी को स्किप कर दो। मैं कहना चाहूँगा ये मूवी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग डायरेक्शन और स्टोरी देखने को मिलेगी। तो ये मूवी एक मस्ट वॉच है आपके लिए, अगर आप एक नए प्रस्पेक्टिव को एक्सेप्ट कर सकते हो तो। बट अगर आप उनमें से हो जिसने दिमाग में एक बार बात बैठा ली तो बैठा ली, उसको चेंज नहीं करना चाहता, तो ये मूवी स्किप कर देना, क्योंकि फिर आप इस मूवी को सिर्फ क्रिटिसाइज करोगे। अब कुछ लोग कह रहे होंगे, भाई मैंने कहा कि विजुअल्स ख़राब है तो हम इसको क्यों देखें। भाई आपको वो विजुअल्स ना जनरली नोटिस भी नहीं होंगे, क्योंकि विक्रांत मेसी की एक्टिंग इतनी बढ़िया है ना कि आप ऐसे होगे कि यस
मजा आ गया। अब इस मूवी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अभी तक बहुत कम मूवीज में देखने को मिला है मेरे को इस बार जो आई है, कि भाई कौन ज्यादा अच्छा एक्टर है, विक्रांत मेसी या श्वेता त्रिपाठी। आप इसमें डिबेट करते रह जाओगे, और आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बढ़िया एक्टर था नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। तो भाई अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये मूवी काफी अच्छी वन टाइम वॉच मूवी है, आपको इसको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। भाई एक्शन पैक्ड मूवी नहीं है, विच वॉज रियली ऑब्वियस। वैसे तो ये मूवी जाने वाली थी 2020 SXW फिल्म फेयर अवार्ड में, बट वो क्योंकि कैंसिल हो गया, तो जल्दी से नेटफ्लिक्स ने ग्रैब कर ली मूवी और इसको रिलीज कर दिया है। एंड इफ दैट डजंट से एनीथिंग अबाउट दिस मूवी, आई डोंट नो व्हाट विल। तो भाई ये मूवी काफी अच्छी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये मूवी देखो और इंजॉय करो। इसको आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के भी, सब लोग बैठ के इंजॉय कर सकते हो। तो भाई काफी अच्छा वेंसडे जाने वाला है आपके साथ, क्योंकि वैसे क्वारंटाइन में सब चल रहे हैं, ज्यादातर लोग घर पे ही होते हैं, तो मस्त एक वीकेंड समझ लो वेंसडे को, और मस्त ये मूवी लगाओ और फैमिली के साथ देखो। इस मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार्स, आप कितने लोगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो में क्या ऐसा था जो आपको लगा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरे को फीडबैक जरूर देना। थैंक यू वॉचिंग गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, नहीं लगी तो डिसलाइक करना, पर साथ में कमेंट्स बताना कि क्या अच्छा लगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में इंप्रूव कर सको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू वॉचिंग गाइस, एंड एज ऑलवेज पीस आउट।
है।